स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर। आज हम सभी डिस्कस करेंगे BBMKU यूनिवर्सिटी धनबाद के UG सेमेस्टर 2 के कॉमन कोर्सेज पेपर के बारे में। तो जो भी नए जुड़े होंगे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। तो कॉमन कोर्सेज का जो पेपर है ग्लोबल सिटीजनशिप, उसका एक वीडियो पहले से चैनल पर मैंने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आज भी हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप के पेपर का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पेपर MCQ बेस्ड होने वाला है, ऐसा नीच पेपर में न्यूज आया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो को देखिए, ताकि आप सभी यहाँ से 2 से 4 नंबर जरूर इस वीडियो के द्वारा ला सकें। वैश्विक शासन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो वैश्विक शासन की शुरुआत जो है वो मानी जाती है द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद। यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, छोटा छोटा वीडियो आपका कई सारा आपको मिलेगा चैनल पर, जो कि हर वीडियो को देख लीजिएगा तो उससे 2-4 नंबर 5 नंबर करके हर एक वीडियो से कवर आपका हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन वैश्विक शासन का प्रमुख है? तो वैश्विक शासन का जो प्रमुख है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA को माना जाता है। तीसरा है, वैश्विक शासन में सम्मिलित होते हैं। वैश्विक का मतलब क्या होता है? वैश्विक का मतलब वर्ल्ड होता है, दुनिया, विश्व। तो वैश्विक शासन जो है यानी कि ग्लोबल गवर्नेंस में शामिल कौन कौन होता है, उसमें स्थानीय मुद्दे, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, वैश्विक स्तर के मुद्दे, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर पूरे वैश्विक स्तर के मुद्दों को शामिल किया जाता है, पूरे विश्व का जो भी मुद्दा है। मान लीजिए जो पर्यावरण प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन परत का नुकसान हो रहा है, ये सारी घटनाएं वैश्विक स्तर की है। चौथा है, इनमें से कौन वैश्विक शासन की प्रमुख संस्था है? तो पूरा विश्व के शासन का ICC, IPCC, WTO, इनमें से सभी। तो लास्ट वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये सभी वैश्विक शासन के प्रमुख संस्थान हैं। अगला है, निम्न में से कौन वैश्विक स्तर के मुद्दे हैं? पूरा विश्व स्तर का मुद्दा कौन सा है जो कि पूरा विश्व स्तर का है? भूमंडलीय तापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण, या इनमें से सभी। तो ये सारे मुद्दे केवल एक देश का नहीं है, ये सारे मुद्दे पूरे विश्व के हैं, इसीलिए इनमें से सभी लास्ट आंसर होगा। वैश्विक शासन किसके लिए होता है? तो वैश्विक शासन केवल एक गांव के लिए है, केवल एक राज्य के लिए है, केवल एक देश के लिए है, संपूर्ण विश्व के लिए है। तो वैश्विक का मतलब ही होता है विश्व, और शासन का मतलब शासन, तो पूरे विश्व पे शासन यानी संपूर्ण विश्व के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, वैश्विक शासन क्यों आवश्यक है? वैश्विक शासन जरूरी क्यों है? पहला, आतंकवाद को रोकने के लिए। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। तीसरा, विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के लिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु। और डी, उपयुक्त से सभी के लिए। तो ये सारे जो हैं, ये सारे चीज़ें वैश्विक शासन के लिए आवश्यक हैं। ये सारा ऑप्शन होगा सही, यानी ऑप्शन डी, उपयुक्त से सभी। ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस का क्या अर्थ होता है? तो वह कानून व्यवस्था जो केवल एक राज्य के लिए हो, वह कानून व्यवस्था जो एक राष्ट्र के लिए हो, वह कानून व्यवस्था जो संपूर्ण विश्व के लिए हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोबल मतलब होता है वर्ल्ड यानी विश्व। तो यहाँ पर ऑप्शन सी, वह कानून व्यवस्था जो संपूर्ण विश्व के लिए हो, ये राइट आंसर हो जाएगा। आठवां है, वैश्विक शासन में दुनिया के विकासशील देशों को किसके द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है? वित्तीय मतलब आर्थिक, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्वास संगठन, IMF। तो ये मिलता है बी नंबर, विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो विश्व बैंक के लिए जो है, विश्व बैंक ही सबका मदद करता है। नवा क्वेश्चन है, वैश्विक संस्था का एक उदाहरण है पूरा विश्व का संस्था IMF, IRCTC, दोनों कोई नहीं। तो वर्ल्ड का जहाँ बात होगा तो IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये जो है पूरा विश्व का संस्था है। दसवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महासभा
किस संगठन का मुख्य निकाय है? तो अंतर्राष्ट्रीय महासभा जो है वो संयुक्त राष्ट्र का मुख्य निकाय है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। सभी वीडियो को देखिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। प्रतिदिन आपको मैथमेटिक्स का, ग्लोबल सिटीजनशिप का, ऑनर्स पेपर का, IRC पेपर का, IBS पेपर का, सभी का इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन BBMK यूनिवर्सिटी का आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।